आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है। ये जजमेंट 12 अप्रैल 2024 को आई है, ठीक है ना। मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है श्री रज्जा स्टोर के केस में। केस क्या है जरा इस केस को ध्यान से समझना, ये केस आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। केस क्या है भैया, 29 दिसंबर 2023 को, ठीक है ना, GST डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा DRC 07 में सेक्शन 73 के अंदर, लेकिन असेसी ने इस वाले ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करने का कारण बताया कि भाई ये जो ऑर्डर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट आया है। सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कैसे आ सकता है, तो भैया इस बात को जरा पूरे केस के साथ समझना। केस क्या था जरा इस चीज़ को समझना, असेसी का जो बिजनेस था वो बड़ा थिन मार्जिन का बिजनेस था, मतलब 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदता था, मान लो 102 रुपये पे बेच देता था। इस वजह से क्या होता था, वो जितना अपना ITC लेता था उस ITC से अपनी टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट कर देता था, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कैश में नहीं करता था। अब डिपार्टमेंट का दिमाग थोड़ा सा खनक गया कि भैया इस व्यक्ति से ना टैक्स नहीं आ रहा, तो डिपार्टमेंट ने उसे ना 29 सितंबर 2023 को एक नोटिस भेज दिया और नोटिस में बोला कि भाई तुम्हारा सारा ITC तुम यूज कर लेते हो, ठीक है, टैक्स तुम्हारा आ नहीं रहा, ये क्या मैटर है, आप जरा एक बार आके इसका जवाब दो। अब असेसी क्या करता है, इस नोटिस का रिप्लाई कर देता है कब, 27 अक्टूबर 2023 को। 27 अक्टूबर 2023 को ये ITC की वजह से कहता है कि भाई मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता, मेरा जितना ITC आता है मैं सारा का सारा यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। डिपार्टमेंट कहता है भैया हमें ना तुम्हारी बात समझ नहीं आई, ठीक है ना। डिपार्टमेंट उसे एक हेयरिंग नोटिस भेजता है 7 दिसंबर 2023 को। देखो रिप्लाई करा कब, 27 अक्टूबर को, ठीक है ना। 27 नवंबर पूरा चला गया, 1.5 महीने बाद उसे कहता है 7 दिसंबर को कि भाई आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही, आप एक बार ना हेयरिंग नोटिस पे आ जाओ, और 13 दिसंबर 2023 की डेट दे देता है हेयरिंग की, ठीक है ना। लेकिन असेसी उस हेयरिंग को अटेंड नहीं करता, और उसका रीज़न देता है कि भाई तमिलनाडु के अंदर ना साइक्लोन आ रहा था, इस वजह से मैंने उस हेयरिंग को अटेंड नहीं करा। अब इस बात को लेकर भैया, ठीक है ना, GST डिपार्टमेंट को आ जाता है गुस्सा, और GST डिपार्टमेंट को गुस्सा आने के बाद GST डिपार्टमेंट क्या करता है भैया, इसका 29 दिसंबर 2023 को ऑर्डर इशू कर देता है, 29 दिसंबर 2023 को ऑर्डर इशू कर देता है, और ऑर्डर में क्या लिख कर कहता है कि भाई हमने तुम्हें पर्सनल हेयरिंग का समय दिया था, तुम पर्सनल हेयरिंग पर नहीं आए जो हमने आपको ऑफ़र किया था, तो ये आप ये डिमांड पकड़ो, ठीक है ना, और ये डिमांड को जमा करो। अब मुद्दा ये था, क्या इस वाले ऑर्डर में नेचुरल जस्टिस की बात कहाँ से आ गई। भाई असेसी ये कह रहा है कि जब मैंने अपना रिप्लाई दिया था और रिप्लाई देते समय मैंने आपको उस रिप्लाई में लिखा हुआ था कि भाई मेरा ITC सारा जेन्युइन है, और अगर आप चाहोगे तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा जिससे कि आपको ये बिलीव हो जाए कि मेरा जो ITC है वो सारी जेन्युइन परचेज है। अगर आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है ना, वो डिटेल्स क्यों नहीं मांगी। अगर असेसिंग ऑफिसर वो डिटेल्स मांगता तो मेरा ITC जेन्युइन हो जाता, तो मेरी कोई, ठीक है ना, डिमांड नहीं निकलती। लेकिन क्या यहाँ पर असेसी की गलती है, आंसर इज यस। यहाँ पर असेसी की ये गलती है कि जब यहाँ पर वो पर्सनल हेयरिंग अटेंड नहीं कर पाया था 13 दिसंबर को साइक्लोन की वजह से, वो पोर्टल पर जाकर, ठीक है ना, एक पर्सनल हेयरिंग और ले सकता था, ठीक है ना, वो एक पर्सनल हेयरिंग और ले सकता था कि भाई मैं साइक्लोन की वजह से पर्सनल हेयरिंग अटेंड नहीं कर पाया, आप मुझे दूसरी पर्सनल हेयरिंग दे दो। सेक्शन 75 में लिखा हुआ है कि आप पर्सनल हेयरिंग ले सकते हैं। और इसके बाद डिपार्टमेंट को जाकर ये जो डॉक्यूमेंट थे जो पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, ठीक है ना, जो पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे डॉक्यूमेंट्स, वो फिजिकली सबमिट कर जाता और अपने ITC को अप्रूव कर देता, तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट नहीं करे और असेसिंग ऑफिसर ने उसकी पूरी बात सुने, पूरे पेपर को चेक करे हुए डिमांड निकाल दी, तो हाईकोर्ट ने बोला भैया देखो ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा सर हमने तो इसे हेयरिंग के लिए समय दिया था, ये आया ही नहीं, इसमें हमारी क्या गलती। तो भाई हाई कोर्ट को भी लगा भाई असेसी की भी ये गलती है, तो हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने असेसी को बोला पहली बात तो तुम 5 लाख रुपए जमा करो, 5 लाख रुपए जमा करो, और जमा करने के बाद, ठीक है ना, असेसिंग ऑफिसर को बोला भाई इसके केस को दोबारा से चेक करो, इस पर जो आपने 1 करोड़ का इसका ITC रिवर्स करा है,
ठीक है ना, 1 करोड़ का ITC रिवर्स करा है, दोबारा से चेक करो। अच्छा ऐसे ही कह रहा सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है ना, और मैं इन्हें देना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट कह रहा भाई अगर डॉक्यूमेंट देना चाहता था तो भाई अनेक्चर कर देता ना सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा ऐसे ही कह रहा पोर्टल पर तो सारे अटैच नहीं हो सकते, तो मैं तो मिल कर दूंगा। तो भाई मिलने चला जाता ना, मिलने नहीं गया, डिपार्टमेंट ने उसे बुलाया था। तो यहाँ पर असेसी की भी गलती थी, जिस वजह से हाई कोर्ट ने उसे क्या बोला कि भैया ऐसा करो 5 लाख रुपए जमा करो, कितने दिनों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर अंदर 5 लाख रुपए जमा करो दो। और ऑफिसर को क्या बोला कि भैया आप ऐसा करो इसके ना सारे पेपर्स को दोबारा चेक करो, दोबारा से इसकी लाइबिलिटी निकालो और इसे पर्सनल हेयरिंग का टाइम दो 2 महीने का, ठीक है ना, सॉरी 2 महीने के अंदर अंदर इस मैटर को दोबारा से देखो, दोबारा से ऑर्डर पास करो। अब बताओ इस हाई कोर्ट की जजमेंट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इस हाई कोर्ट की जजमेंट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे रहा है, आपको पर्सनल हेयरिंग के लिए बुला रहा है, तो आपको जो अपनी बातें कहनी है वहाँ पर जाकर कह दो, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो वहाँ पर जाकर अटैच कर दो, अदरवाइज नहीं तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी, समझे मेरी बात। और अगर ऐसी सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो आप हमारा GST का अर्जुन कोर्स ले सकते हैं। सर GST का अर्जुन कोर्स कैसे लेंगे भैया, हमारे ठीक है ना ऐप को डाउनलोड करो KJ क्लासेस को और GST का अर्जुन कोर्स ले लो। सर अर्जुन कोर्स तो बहुत महंगा, नहीं भैया अर्जुन कोर्स महंगा नहीं है, अर्जुन कोर्स सस्ता हो गया। सर अर्जुन कोर्स तो बहुत निकल गया, भैया तुम्हें टेंशन क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये अगर को इस जजमेंट के एनालिसिस चाहते हो, ऐसी 8 से 10 जजमेंट हमने अपनी इस बार की मैगजीन में दी है, कौन से मंथ की मैगजीन में, मई मंथ की मैगजीन में दी है। तो अगर आपने अभी तक हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो फटाफट से मैगजीन को सब्सक्राइब करा लो, फटाफट से मैगजीन को सब्सक्राइब करा लो, अगर एक्सपायर हो गई है तो रिन्यू करा लो। वीडियो कैसी लगी, ये जजमेंट कैसी लगी, अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।